हेलो गाइज, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंजीनियर्स के बारे में, जिनके लिए वैकेंसीज तो काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि यार तैयारी करने किसकी जाए। हमने फॉर्म तो UP SSC JEE का भी डाल रखा है, RRB JEE का भी डाल दिया है, और SSC JEE का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तैयारी किसकी जाए, क्योंकि UP SSC का भी फॉर्म नवंबर में फिल हो चुका था, तो उसकी जो CBT फर्स्ट का नोटिफिकेशन यानी कि एडमिट कार्ड, अभी तो कोई फिलहाल ऐसी कोई नोटिफिकेशन UP SSC ने जारी नहीं किया है, लेकिन जो पिछले वर्ष का एग्ज़ाम था UP SSC का, वो लगभग फरवरी में हो चुका था, 10 फरवरी या के इसी के अराउंड हुआ था। तो अब आसार यही है कि अभी नहीं आया तो मतलब कह सकते हैं कि लास्ट फरवरी या फर्स्ट मार्च तक UP SSC भी एग्ज़ाम ले सकता है, और RRB JEE ने भी अब मई और अप्रैल का टेंटेटिव डेट दे रखा है कि इसी के बीच में CBT फर्स्ट लेने वाला है, और SSC JEE ने तो साफ कह रखा है कि आप 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक लेने वाला है। तो SSC की तो टेंशन नहीं है, बट अब प्रॉब्लम है कि अपन RRB JEE के लिए जाएं या कि UP SSC के लिए जाएं, तो कैसा स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो अलग है। टेक्निकल के हैं तो ऑल अराउंड लगभग सेम ही है, बट नॉन टेक्निकल तो अलग है। तो किस प्रकार हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, सारे कुछ इस पर डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपके काम करना होगा भाई, यार अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि मेरे द्वारा आगे जो भी वीडियो जाएँ वो डायरेक्ट आप तक पहुंचती रहें। चलिए, तो इससे पहले मैं डिस्कशन स्टार्ट करूँ, आपके एक पिक दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। से देखिए आप इस स्क्रीन पर, मुझे आज अपने फेसबुक पर ये एक फ़ोटो मिली, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। इस फ़ोटो में आप देखिए, कुछ बच्चे हैं, बहुत ही मासूम बच्चे हैं, और उन्होंने अपनी स्लीपर से, अपने चप्पल से सेल्फी, जो कि आज ट्रेंड में है, सेल्फी ले रहे हैं। और इनके चेहरे पे देखिए, सभी बच्चों के चेहरे पे देखिए, अब कितनी मतलब प्योर स्माइल है, एक नेचुरल स्माइल है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखते हैं मतलब कि जब अपन सेल्फी लेते हैं तो मतलब बनावटी चेहरे पे अपनी स्माइल आती है, इनके देखिए एक नेचुरल स्माइल है। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऊपर एक लाइन लिखी हुई कि सुख साधन में नहीं है, साध में है ना। और हम लोग जैसे अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के दुखी होते रहते हैं, तो यार हमें छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। ये फ़ोटोज़ मुझे लगा कि आपको ये दिखानी चाहिए, तो काफ़ी इंस्पायर करती है फ़ोटो, आप देख सकते हैं कि। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह यार हमें छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढनी है, और ज़िंदगी में खुश रहना है और अपनी मंजिल तक पहुँचना। चलिए फ्रेंड्स, अपने डिस्कशन की ओर मैं चलता हूँ। फ्रेंड्स, अपना डिस्कशन ये था यार कि प्रिपरेशन अब कैसे करें, किसके लिए जाए। तो पहले तो मैं आप बात करना चाहूँगी UP SSC, क्योंकि अभी जो फिलहाल एडमिट कार्ड आने वाला है UP SSC का ही आने वाला है, और जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी फिलहाल कोई UP SSC की तरफ से कोई नोटिस नहीं दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहली बात किया कि UP SSC की जो सिलेबस है वो फर्स्ट पेपर का है, उसमें आपका 75 मार्क्स का पेपर होने वाला है, फर्स्ट मार्क्स 75 का है फर्स्ट पेपर, क्योंकि फर्स्ट के अंदर भी दो होने वाले हैं। तो जो पहला है 75 मार्क्स का, उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश ये दो पोर्शन आपके आने वाले हैं 75 मार्क्स का। ठीक है, और उसी फर्स्ट पेपर का ही जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर ये 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है, और उस 300 मार्क्स के अंदर आपकी रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग और कंप्यूटर, रीजनिंग है, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, ये तीन टॉपिक से आपके 100 क्वेश्चन आने हैं, और 100 क्वेश्चन होंगे आपके 300 मार्क्स के। ठीक है फ्रेंड, 300 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो ये टोटल फर्स्ट पेपर जो होगा, ये फर्स्ट पेपर का ही सेकंड पार्ट था, इससे पहले जो मैंने बताया 75 मार्क्स का, वो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट था। तो ये दोनों मिलाकर के जो आपके फर्स्ट पेपर हो गए, 375 मार्क्स के हो गए। ठीक है, ये 375 मार्क्स की, और इसके बाद जो अगला पेपर होगा, यानी कि सेकेंड पेपर, वो होगा आपका टेक्निकल पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टेक्निकल पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, और जो आप जिसमें आपको 2 घंटे का समय भी दिया जाएगा। ठीक है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये तो पूरी हो गई कहानी UP SSC की। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इसका नॉन टेक्निकल पोर्शन है, नॉन टेक्निकल पोर्शन में इसमें हिंदी और इंग्लिश, जो कि 75 मार्क्स की है पहले, वो पूछी जा रही है, जो कि ना तो RRB JEE में आ रही है, ना ही SSC JEE में आ रही है। ठीक है, तो अगर आपको UP SSC की ही पर्टिकुलर प्रिपरेशन करनी है तो आपको हिंदी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, सीधी सी बात है ना। और इसके बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग तो आपका कॉमन ही है, जो आपको RRB में आ रही है, जो SSC JEE में आ रही है, तो रीजनिंग तो ठीक है। कंप्यूटर, कंप्यूटर भी अन्य उसमें नहीं आ रहा, बट आप जनरल अवेयरनेस के लिए कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ से
अगर आप रीजनिंग आप तो पढ़िए, तो रीजनिंग तो आपको पूरे तीनों एग्जाम में काम देगा, ठीक है, अगर आपने तीनों का फॉर्म फिलअप कर रखा है तो। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपका आपने तीनों का फॉर्म फिलअप कर रखा है, तो रीजनिंग तो आपको तीनों काम देगी। कंप्यूटर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन SSC JEE में भी और RRB JEE में आने के चांस हैं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस से वहाँ से आ सकता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस तो तीनों के लिए कॉमन ही है। तो अब बात आई बची हिंदी और इंग्लिश की, तो अब हिंदी इंग्लिश के लिए कहाँ से पढ़ाई करें, क्योंकि 75 मार्क्स का वो भी है, 75 मार्क्स की हिंदी और इंग्लिश भी आने वाली। तो हिंदी की अगर आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बता सकता हूँ, ठीक है, जहाँ से आप 20 से 30 30 35 क्वेश्चन आने वाले हैं हिंदी के, तो वहाँ से आप 20 से 25 क्वेश्चन तो आने के फुल चांस हैं। आप एक वीडियो फॉलो कर सकते हैं, एग्जामपुर का है, एग्जामपुर का विवेक सर का एक मैराथन वीडियो है, 10 शायद 11 आवर का है, ठीक है, 11 आवर का है, 11 घंटे का वीडियो है, ठीक है, 11 घंटे का वीडियो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें पूरा हिंदी बेसिक्स लेकर के पूरा रिवाइज किया हुआ है, तो इसको आप अगर आप देख लेंगे तो कहीं ना कहीं 20 से 25 मार्क्स आपके हिंदी में आ जाएंगे। इंग्लिश के लिए आप वीडियो लेक्चर फॉलो कर सकते हैं एग्जामपुर की, उसमें भी इंग्लिश के मैराथन क्लास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये तो हो गई, इसके बाद रीजनिंग तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग तो RRB JEE के लिए भी आ रही है, क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, ये भी आप करंट अफेयर वगैरह और जो भी ये पढ़ेंगे आप जनरल अवेयरनेस वगैरह, ये तो सारा कुछ आपके RRB JEE और SSC JEE दोनों में आने वाला है, तो ये तो आपको दोनों के लिए काम देगा। बट टेक्निकल आपको पढ़ते रहना, क्योंकि इसके बाद जस्ट जो RRB JEE की है, RRB JEE का जो फर्स्ट CBT है, CBT 1, ये कमान इसका भी डेट जो है वो RRB ने अप्रैल या मई की दे रखी है। तो आप मान के चलिए कि पेपर लास्ट अप्रैल या कि मई फर्स्ट में ही होने वाला है, ठीक है, या कि मई मई ही मान सकते हैं आप उसे, लास्ट अप्रैल या कि मई में होने वाला है, ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं, इसके बाद जस्ट CBT 2 होगा RRB का, और जब इसका CBT 1 होगा, RRB का CBT 1 होगा, RRB का CBT 1 होगा, उसी समय चांस है कि UP SSC का CBT 2 हो जाए, जो टेक्निकल पोर्शन है 100 नंबर का। तो आपको इससे पहले ही, मतलब ये RRB 1 से पहले अपना टेक्निकल पोर्शन भी कंप्लीट करना है और रीजनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है, तो अभी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि UP SSC अभी आपको देना है, ठीक है। तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन फ्रेंड्स, और प्रिपरेशन तो आपको जमकर करनी होगी, ठीक है, तभी। और जहाँ तक मुझे आइडिया कि UP SSC कट ऑफ कम जाने वाला, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग भी नहीं है, तो कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई जाएगा, तो आपको प्रिपरेशन तो अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। और जहाँ तक रीजनिंग की बात है, तो रीजनिंग के लिए आप वीडियो लेक्चर्स काफ़ी चैनल में चल रहे हैं, उनको फॉलो करके चल सकते हैं, ठीक है। तो और तो क्या फ्रेंड्स, और तो इस प्रकार से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपके पास 1 महीने का टाइम UP SSC के CBT 1 के लिए बचा हुआ है, तो आप लगभग इस पर हिंदी और ये जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं आपके नॉन टेक्निकल वाले, इनको तो कंप्लीट कर ही लीजिए। और रीजनिंग तो आपको पूरे पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग अगर आप अभी रीजनिंग पढ़ते हैं तो ये आपको RRB में भी और SSC JEE में भी काम देने वाली है, ठीक है। कुछ पोर्शन अलग हैं तो उनको आप देख सकते हैं, मतलब पेपर टाइम पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो फ्रेंड्स, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई के चैनल आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। और बस लास्ट में ही कहना चाहूँगा यार कि बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटे ज़िंदगी, खुश रहो यार, इन्जॉय करो, और इस बार सभी JEE बन जाओ।